अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो कल का कंटिन्यू रहेगा। कल जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा था उसी का आज फर्दर हम आज देखेंगे, क्योंकि कल टाइम की शॉर्टेज की वजह से इसको आधा ही रखा पड़ा। इफेक्ट ऑफ स्पेक्टेटर लिगेंड की बात हो रही थी, तो इफेक्ट ऑफ स्पेक्टेटर लिगेंड को मैंने कैटेगराइज किया था तीन में। एक मैंने बोला था बेटा फर्स्ट वन क्या था, यहाँ पे जाके अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट वन वाज स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर। फर्स्ट वन वाज स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर, कंसीक्वेंस आज नहीं बोलूंगा, तो मैंने बता दिया क्या होगा इसे वीक पाई एक्सेप्टर। एंड सेकेंड वन वाज वीक सिग्मा डोनर एंड स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर। एंड थर्ड वन वाज अर्ली सिग्मा डोनर। ठीक है बेटा, ये चीज का डिस्कस हुआ। अब जाके फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूँ क्या चीज है यहाँ पे, और आपको इसी को आगे बढ़ाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें जाके आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो यहाँ पे जाके स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर होगा। स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर में आप देखेंगे PME3, PME3 इज अ स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर, या इसी तरीके से PET3, ठीक है, या इसी तरीके से बेटा आप देखेंगे PPH3 भी, दीज आर स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर। और अगर आप देखेंगे इस वाले में, अगर आप केस देखेंगे तो NH3 है इसमें, NH3 जो ऑनली सिग्मा डोनर है, या RNH2, दीज आर नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आर देयर RNH2। तो यहाँ पे जाके अगर आप इनको देखेंगे तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल और भी आएंगे, तो इससे यहाँ पे जाके बेटा आप देखिएगा कि ये सिग्मा डोनर जो है स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनेटिंग है। अगर इसमें देखेंगे PF3 लिख सकते हैं, इसमें वीक सिग्मा डोनर है बट स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर है, क्यों है बताऊंगा मैं आगे आएगा, यही क्वेश्चन तो आज समझाना है आपको। तो अगर आप यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल CrCO6, एक तो ये है बेटा, दूसरा मैं यहाँ पे जाके ले रहा हूँ CrCO3 एंड NH3, ध्यान देना बेटा। अब दोनों में देखिएगा, इन दोनों में जाके बेटा देखिएगा कि क्या यहाँ पे हो रहा है, दोनों की केस में देखिएगा। अगर आप इसका देखेंगे म्यू सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, म्यू सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 2100 सेंटीमीटर इनवर्स, अगर आप इसका देखेंगे वो 1900 सेंटीमीटर इनवर्स। देखो बेटा, आपको यहाँ पे जाके पता होगा भी या नहीं होगा पता, बट जाके यहाँ पे आप इजीली समझ सकते हो दो में फर्क क्या है। देखो इसमें भी CrCO6 में जो जाके अगर आप एक्सप्लेन करेंगे इसको, तरीका किस तरीके से है, आप इसको लिख सकते हो इस तरीके से भी, CrCO3 एंड CO3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि तीन CO लिगेंड यहाँ पे भी है, तीन यहाँ पे भी, ये कॉमन पार्ट है। अब यहाँ पे डिफरेंट क्या है, यहाँ पे ये CO और यहाँ पे इसके बाद में NH3, ये फर्क है। अब आप NH3 को देखेंगे, NH3 इज नॉट पाई एक्सेप्टर लिगेंड। अगर ये पाई एक्सेप्टर लिगेंड नहीं है, ये खाली सिग्मा डोनर है, इसका मतलब दिस इज स्पेक्टेटर लिगेंड। इसका मतलब क्या है, स्पेक्टेटर लिगेंड है। अब ये लिगेंड क्या करेगा, इट विल इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ मेटल। जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल के ऊपर बढ़ा रहा है और जाके वहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस नहीं ले रहा है थ्रू बैकवे बॉन्डिंग, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है और बैकवे बॉन्डिंग के जरिए से वापस नहीं ले रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जाके ये इन तीन के ऊपर बैकवे बॉन्डिंग इंक्रीज होगी। जो ये वाले CO3 है, इनकी जो बैक पे बॉन्डिंग होगी वो स्ट्रांग होगी, तो MC बॉन्ड स्ट्रांग होगा और म्यू सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी विल बी लेस। देखो 1900। बट अगर आप इसमें देखेंगे CrCO6 में, ये जो CO3 है, यहाँ 6 के 6 बराबर है, बस मैं समझाने के लिए यहाँ पे अलग अलग किया इनको, ये सिग्मा डोनर भी है बट एज वेल एज पाई एक्सेप्टर भी है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि बैक पे बॉन्डिंग इज नॉट टू मच स्ट्रॉन्ग, बैक पे बॉन्डिंग होगी बट उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी जितनी यहाँ पे, कंपेयर में कर रहा हूँ, कंपेरिजन में बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जाके तीन के साथ ही बैक पे बॉन्डिंग दिखानी है, यहाँ पे 6 के साथ बैक पे बॉन्डिंग दिखानी है। इसका मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो 6 में जाके क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ पे जाके 3 में जाके डिस्ट्रीब्यूट होगी, इसलिए जाके MC बॉन्ड जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा इन दिस केस, बिकॉज NH3 इज सिग्मा डोनर ऑनली, ऑनली सिग्मा डोनर लिगेंड। इसमें जाके जो CO बाकी है, बाकी तीन भी, वो पाई सिग्मा डोनर भी है, पाई एक्सेप्टर भी है। दैट इज व्हाई अगर आप इसका देखेंगे क्वेश्चन आएगा, आप इजीली बताएंगे, आप दोनों को देखेंगे, आपका वैल्यू याद हो या ना हो आप इजीली बता सकते हो। म्यू CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी विल बी हायर इन केस ऑफ दिस
एंड इट विल बी लोअर फॉर दिस व्हाई बिकॉज बैक पे बॉन्डिंग विल बी मोर इन दिस केस. ठीक है क्लियर. अगर किसी को कंफ्यूजन तो बताएगा. देखिए बेटा आज मैं इसी को आगे ले रहा हूँ. इस पर बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको देखने भी है. देखो बेटा यहाँ पे जाके फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको और एक ये दिखा रहा हूँ आपको. फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे जाके एग्जाम्पल में अगर वीक सिग्मा डोनर देखेंगे और स्ट्रांग पाई एक्सेप्टर देखेंगे. वीक सिग्मा डोनर एंड स्ट्रांग पाई एक्सेप्टर. पाई एक्सेप्टर फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया पी एफ थ्री है या एनओ पॉजिटिव है. ये लीगेंड जो है दीज आर यहाँ पे जाके ये क्या काम करेंगे इनका जरा देखना. अगर यहाँ पे जाके कहीं पे भी होंगे एज ए स्पेक्टेटर लीगेंड व्हेन दीज टू आर द स्पेक्टेटर लीगेंड ये सिग्मा डोनेशन कम करेंगे. इसका मतलब ये बैक पे बॉन्डिंग ज्यादा दिखाएंगे. जब ये ज्यादा बैक पे बॉन्डिंग दिखाएंगे तो यहाँ पे जाके ध्यान देना बेटा जो एमसीओ बॉन्ड होगा यहाँ से इनमें से कोई एक होगा. फॉर एग्जाम्पल पी एफ थ्री की बात कर रहा हूँ मैं या एनओ की बात करूंगा मैं. ठीक है तो जब आप इसको देखेंगे बेटा तो इसमें क्या होगा इसमें जरा देखिएगा इसमें क्या होगा. यहाँ पे जाके ये सिग्मा डोनर कम है एंड पाई एक्सेप्टर इज मोर. इसका ये यहाँ पे जाके ये जो लीगन है दिस इज वीक सिग्मा डोनर बट स्ट्रांग पाई एक्सेप्टर. अब क्या होगा ये जाके ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर खींच रहा है मेटल देने के बजाय ये ज्यादा खींच रहा है. ऐसे समझो इसको कि अगर ये दे रहा है यहाँ पे जाके फॉर एग्जाम्पल अगर ये यहाँ पे जाके दे रहा है कितना परसेंट अगर ये 70% सिग्मा डोनेशन दे रहा है वापस ही ले रहा है 100%. मतलब इसने 70% दी मैं सिर्फ समझा रहा हूँ तो यहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस ले रहा है 100% मतलब ज्यादा ले रहा है जो इसने दिया उससे ज्यादा ही वापस ले रहा है. तो सिट्रॉन पाई एक्सेप्टर है. अब क्या इसने किया हमें सिर्फ इसको देखना है कि मेटल के ऊपर क्या यहाँ पे जाके इफेक्ट हुआ इस लिगेंड की वजह से स्पेक्टेटर लिगेंड की वजह से. हमें यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे जाके ये जो लिगेंड है इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम किया ऑन दिस मेटल. तो अब जाके हम देखेंगे सीओ सिप्रेसिंग फ्रीक्वेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि हमें ये जो हमारा स्टडी है हम इस वाले को स्टडी कर रहे हैं. इसका तो हम इफेक्ट देख रहे हैं बट स्टडी हम इसको कर रहे हैं. ध्यान देना हम देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ स्पेक्टेटर लिगेंड ऑन म्यू सीओ स्प्रेडिंग फ्रीक्वेंसी. रिमेंबर हम क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं यहाँ पे जाके इफेक्ट ऑफ स्पेक्टेटर लिगेंड ऑन म्यू सीओ स्प्रेडिंग फ्रीक्वेंसी. तो यहाँ पे जाके मैंने बोला बेटा यहाँ पे अगर ये 70% दे रहा है सिग्मा डोनेशन वापस ही दे रहा है क्योंकि स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर 100%. इसका मतलब ओवरऑल इसने 30% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा गेन की मेटल से लीव वापस मेटल की लीव. तो अगर इसने मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस ली तो इससे क्या होगा इससे यहाँ पे जाके बैक पे बॉन्डिंग विल बी लेस होगी ना. ऑब्वियसली बात है बैक पे बॉन्डिंग क्या होगी कम. बैक पे बॉन्डिंग डिक्रीज जब बैक पे बॉन्डिंग डिक्रीज होगी ध्यान देना जब बैक पे बॉन्डिंग डिक्रीज होगी तो ऑब्वियसली बात है इनका आपको यहाँ पे जाके रिलेशन है. जब बैक पे बॉन्डिंग डिक्रीज होगी तो सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी विल बी मोर म्यू सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी विल बी मोर. यहाँ बॉन्ड ऑर्डर आप यहाँ पे बोलेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर आप सीओ इज मोर. तो इसका मतलब यहाँ पे जाके क्लियर हुआ हमें जाके अगर हमें यहाँ पे ये पता चलेगा कि जो एक चीज है यहाँ पे जाके क्लियर जो आपको करना है इसमें कि जो लिगेंड्स को देखना आपको लिगेंड्स में आपको ये चीज देखना होगा कि कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर है पाई एक्सेप्टिंग एबिलिटी ऑफ द स्पेक्टेटर लिगेंड कितनी है उसका मैं ऑर्डर बताऊंगा. कुछ लिगेंड्स का मैं यहाँ पे ऑर्डर बताऊंगा पाई एक्सेप्टिंग एबिलिटी. देखो ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे जाके बेटा पाई एक्सेप्टिंग एबिलिटी ऑफ स्पेक्टेटर लिगेंड. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सीओ की क्या पाई एक्सेप्टिंग एबिलिटी वो तो सेम रहेगी. पाई एक्सेप्टिंग एबिलिटी ऑफ स्पेक्टेटर लिगेंड उससे आप देखेंगे कितना इफेक्ट पड़ेगा. जिसका ज्यादा होगा पाई एक्सेप्टिंग एबिलिटी उसका सीओ के साथ बैक पे बॉन्डिंग कम होगी क्योंकि मेटल को ये जाके क्या करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा. जितना ज्यादा पाई एक्सेप्टिंग एबिलिटी ज्यादा होगी देखिएगा यहाँ पे बेटा ऑर्डर में बताऊंगा आपको.
समा के लिगेंड्स को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, जिनका मैं यहाँ पे जाके आपको दिखा रहा हूँ ऑर्डर ऑफ पाई एक्सेप्टिंग चित्रंग, पाई एक्सेप्टिंग चित्रंग। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले एलो पॉजिटिव हाईएस्ट पे आ रहा है, एलो पॉजिटिव। या इसी तरीके से सी एस ई सिलीनियम है, कार्बन सिलीनियम बॉन्ड। या इसी तरीके से उसके बाद है सीओ कार्बोनिल, जो हम स्टडी में है। उसके बाद है पी एफ थ्री, उसके बाद है सी ट्रिपल बॉन्ड एन आर, सी ट्रिपल बॉन्ड एन आर। आगे पी सी एल फाइव, फिर जाके इसी तरीके से यहाँ पी सी एल थ्री। तो यहाँ पे जाके आगे देखेंगे ए एस ओ आर पी ओ आर थ्री पी आर थ्री एंड लास्ट वन इज पी सी एन, सॉरी आर सी एन। तो यहाँ पे जाके पाई एक्सेप्टिंग एबिलिटी आप देखेंगे सबसे ज्यादा किसको है, यहाँ पे जाके पाई एक्सेप्टिंग एबिलिटी एनओ पॉजिटिव को। इसका मतलब जो नाइट्रोजन पॉजिटिव, जो एनओ पॉजिटिव है, यहाँ पे जाके जब ये स्पेक्टेटर लिगेंड होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचेगा और जाके म्यू सीओ स्ट्रक्चर विल बी मोर इन दैट टाइम। बट अगर आप इसके अपोजिट पे देखेंगे ये वाला पी आर थ्री, पी आर थ्री के केस में क्या होगा, यहाँ पे जाके इट विल इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ मेटल, विच इन टर्न इंक्रीज द बैकपाइप बॉन्डिंग, एंड इससे क्या होगा, बैकपाइप बॉन्डिंग से न्यू सीओ स्ट्रक्चरिंग फ्रीक्वेंसी विल बी लेस, MC bond will be strong। तो ये चीज यहाँ पे जाके आपको बताना था। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे pi accepting ability of some isoelectronic species of CO, जो CO species के isoelectronic हैं, उनको भी अगर आप देखेंगे pi accepting ability isoelectronic with CO, for example C triple bond N है, ये जाके एक isoelectronic with CO है, इसका सबसे highest है pi accepting ability। उसके बाद है N triple bond N, N2 आपका पढ़ना है, N2 को आपको पढ़ना है आपके सिलेबस में, ये एज ए लिगेंड बॉन्डिंग मोड इसके पढ़ने हैं। तो N2 यहाँ पे जाके पाई एक्सेप्टिंग एबिलिटी इसकी है, पाई एक्सेप्टिंग एबिलिटी। उसके बाद है बेटा, मैं उल्टा कर रहा हूँ इसको इस तरीके से, फिर जाके यहाँ पे है C ट्रिपल बॉन्ड NR, क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक ये भी है। इसी तरीके से C ट्रिपल बॉन्ड O, फिर जाके इसी तरीके से बेटा यहाँ पे देखेंगे C ट्रिपल बॉन्ड S, फिर इसी तरीके से आप देखेंगे C ट्रिपल बॉन्ड SE, इसी तरीके से आप देखेंगे हाईएस्ट किसका है N ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव। तो ये जाके दीज आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक, पाई एक्सेप्टिंग एबिलिटी किसको ज्यादा है, सबसे ज्यादा इसको है, सबसे कम पाई एक्सेप्टिंग एबिलिटी किसको, CN, CN की सबसे कम पाई एक्सेप्टिंग एबिलिटी है, NO की सबसे ज्यादा पाई एक्सेप्टिंग एबिलिटी है। तो मैंने दो को दिखाया, ये वाला जो ये वाला ऑर्डर है, दीज आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद CO लिगेंड, CO लिगेंड के आइसोइलेक्ट्रॉनिक सबके सब लिगेंड से, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे जाके क्वेश्चन में आपको ये काम में आएगा। अब जाके हम देखेंगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पे, देखो बेटा यहाँ तक क्लियर हुआ, क्लियर हुआ यहाँ तक, यहाँ तक मैं आपको अभी तक इतना बताया स्पेक्टेटर लिगेंड के बारे में कि एनी लिगेंड अदर देन सीओ लिगेंड इज नोन एज स्पेक्टेटर लिगेंड, एंड दोज लिगेंड विच कैन एनहांस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ मेटल, एनहांस दिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ मेटल, backpipe bonding will increase, which in turn the mu CO splitting frequency will decrease. But the spectator, if the spectator ligand will decrease the electron density on the metal, usse kya hoga? Backpipe bonding will decrease, backpipe bonding will decrease, mu CO splitting frequency will increase. ठीक है, सब कुछ यहाँ पे जाके clear होना चाहिए। तो यहाँ पे जाके बेटा आप देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, क्वेश्चन के तौर पे ले रहा हूँ। अगर आप इसको देखेंगे सीरीज को पी आर थ्री पी ए आर थ्री, फिर जाके पी ओ आर थ्री, इसी तरीके से पी ओ ए आर थ्री, ओ ए आर थ्री, ठीक है, पी ओ ए आर थ्री और पी एफ थ्री एंड पी एफ थ्री, इन लिगेंड्स को आप देखिएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे इन लिगेंड्स में यहां पे जाके सिग्मा डोनर एबिलिटी, अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सिग्मा डोनर एबिलिटी, सिग्मा डोनर एबिलिटी।
क्योंकि हमें पहले ये पता चलना चाहिए कि सिग्मा डोनर एविटी इनकी क्या है, फिर जाके हम बताएंगे कि एज ए स्पेक्टेटर लिगेंड यहाँ पे ये क्या करेंगे। अब देखिएगा बेटा, अगर फास्फोरस को डायरेक्टली अटैच है एफ क्लोरीन, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ध्यान देना बेटा। पी जब यहाँ पे जाके एफ के साथ होगा इस तरीके से, पी के पास लोन पेयर है, क्लियर। अब जाके यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट विल शाबाश अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो इससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फास्फोरस के ऊपर है ये जाके खींच रहा है, जब ये अपनी ओर खींचेगा तो यहाँ पे जाके जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी जो इसको मेटल को प्रोवाइड करनी थी वो जाके यहाँ पे कम होगी कि नहीं, आप खुद देखिएगा। फास्फोरस को यहाँ पे जाके जो पीएफ थ्री है, तीन फ्लोरिन है, जो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींच रहा है, उससे क्या होगा, यहाँ पे जाके लिटिल बिट गैल पॉजिटिव चार्ज होगा, अब जाके उसका सिग्मा डोनर एविटी जो होगी वो कम होगी, ठीक है। इसके अपोजिट में देखेंगे पी आर थ्री को, यहाँ पे जाके ये चीज आपको पता है ऑर्गेनिक में कि यहाँ पे जाके ये आर ग्रुप जो प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है, इट विल इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन दिस फास्फोरस, या हम ये बोलेंगे कि इट विल एनहेंस द बेसिसिटी ऑफ दिस पी आर थ्री, पी पी पे जाके ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, ये बेसिसिटी को एनहेंस करेगा, जितने जाके यहाँ पे जाके ये एनहेंस करेगा उतना जाके इसका सिग्मा डोनर एबिलिटी ज्यादा होगा, यहाँ पे जाके उतना ही कम होगा, ध्यान देना बेटा। इसी तरीके से इसको समझना है, यहाँ पे जाके बेटा आप देख रहे हो कि आपने क्या किया, फास्फोरस पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको अपनी ओर खींचा, तो इसलिए जाके सिग्मा डोनर एबिलिटी इज लेस देन दैट ऑफ पीआर3। व्हाई? बिकॉज द आर ग्रुप हैज प्लस आई इफेक्ट, इट विल एनहांस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन फास्फोरस व्हिच इन टर्न एनहांस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल, जितना जाके इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी उतना बैक पे बॉन्डिंग ज्यादा होगा, उतना म्यूचुअल स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी कम होगा, ठीक है बेटा, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे जाके अगर आप इसको देखेंगे और एक तरीके से भी, फॉर एग्जाम्पल जो ओ सी, यहाँ पे जाके ये एग्जाम्पल है या ये वाले एग्जाम्पल है, इनको जब कंपेयर करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं दो एग्जाम्पल को यहाँ पे कंपेयर कराऊंगा आपको कि इनका जो ऑर्डर है सिग्मा डोनर एबिलिटी का जो ऑर्डर है मैं लिखूंगा इनको, तो हाईएस्ट जो सिग्मा डोनर एबिलिटी होगी वो होगा पी आर थ्री का ज्यादा, उसके बाद होगा पी आर ए आर थ्री का, फिर जाके उसके ज्यादा किसका होगा पी ओ आर थ्री का, फिर उससे कम किसका होगा पी ओ ए आर थ्री का, लास्ट में कौन सा होगा पी एफ थ्री, पी एफ। देखिएगा बेटा इसमें देखो, यहाँ पे इन दो को मैं पहले कंपेयर कराऊंगा, जो पी होगा इसको मैं इस तरीके से लिखू पी ओ ए आर थ्री को ऐसे लिखो, ए आर क्या है एक्चुअली, यहां पे जाके लोन पेयर है जिस इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहां पे जाके इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, बट अब देखो यहां पे जाके जो आर ग्रुप है, आर ग्रुप विल एनहेंस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन, इट विल लोअर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर ऑन ऑक्सीजन। देखो फास्फोरस को ये ऑक्सीजन यहां पे भी है, फास्फोरस को ये ऑक्सीजन यहां पे भी, अब जो ये ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कौन एनहेंस कर रहा है, कौन सा ग्रुप, और कौन सा इसको जाके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिक्रीज कर रहा है, कौन इंक्रीज कर रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने ओर खींचना। अब देखो बेटा यहाँ पे जाके जो आर ग्रुप है इसको बढ़ा रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है ऑक्सीजन के ऊपर, इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर लेस हो रहा है, क्यों लेस हो रहा है, अब जाके वो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जो फास्फोरस के साथ इसका बॉन्ड है, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा नहीं खींचने वाला है, ठीक है बेटा, क्लियर। इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नहीं खींचेगा क्योंकि इसको आर ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसके अगेनिस्ट में अगर आप देखेंगे, इसके अपोजिशन में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे क्या होने वाला है, देखिएगा बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये वाला जो फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है ये यहाँ पे इधर आएगा, ये इधर आएगा, रेजोनेंस में जाएगा,
यहाँ पे जाके ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग का काम कर रहा है ये ग्रुप। तो जब इलेक्ट्रॉन विड्राइंग का काम कर रहा है, इट विल यहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन कम हो रही है, इसका मतलब डेल पॉजिटिव करेक्टर आ रहा है ऑक्सीजन के ऊपर। इट विल एनहेंस द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कैरेक्टर ऑन ऑक्सीजन। तो जब जाके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर एनहेंस कर रहा है, तो फास्फोरस का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो इधर की हो जाएगा। दैट इज वाई पहले मैंने लिखा पीओआर थ्री सिग्मा डोनर एबिलिटी इसकी ज्यादा होगी देन देगा दिस। ठीक है बेटा, क्लियर? तो ये चीज मैंने यहाँ पे आपको दिखाया। तो ये सिग्मा डोनर एबिलिटी का कैरेक्टरिस्टिक है। तो अगर इसी को देखेंगे पाई एक्सेप्टिंग एबिलिटी कैरेक्टर, अगर दूसरा क्वेश्चन आएगा इसी पे पाई एक्सेप्टर एबिलिटी, तो कुछ नहीं करना है, इसका रिवर्स ऑर्डर करना है। पहले पी एफ थ्री होगा, बाद में पी ओ ए आर थ्री होगा, रिवर्स करना है बस। फिर जाके होगा पी ओ आर थ्री होगा, फिर जाके बेटा होगा पी आर ए आर थ्री होगा, फिर जाके यहाँ पे होगा लास्ट में पी आर थ्री। क्योंकि पी आर थ्री का पाई एक्सेप्टिंग एबिलिटी कम होगी, सबसे कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पे जाके ऑलरेडी है, तो जाके वो ज्यादा नहीं चाहेगा कि मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां से आ रही। ठीक है बेटा, क्योंकि जाके अगर आप ए आर और इसकी भी कंपेयर करेंगे, इसका भी कंपेयर करेंगे दो का भी, तो पी आर थ्री में की केस में क्या है अभी देखा आपने बेटा, पी आर थ्री के केस में क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, बट पी आर ए आर थ्री के केस में क्या हो रहा है, पी ए आर थ्री के केस में यहाँ पे जाके क्या हो रहा है, यहाँ पे जाके ये चीज है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने खींच रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा यहाँ पे है, इससे जाके इसके पाई एक्सेप्टिंग एबिलिटी उल्टा है कंपेयर टू दैट ऑफ अगर आप इसको देखेंगे। ठीक है, ये चीज यहाँ पे था, मैंने आपको दिखा दिया, होप सो कि आपको समझ आया होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं जा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मुझे आप ये क्वेश्चन करके देंगे, मुझे भेजेंगे आप ग्रुप में, इंडिविजुअल से ज्यादा अच्छा रहता है कि अगर आप ग्रुप में भेजेंगे, क्योंकि ग्रुप में पता चलता है कि ये कुछ कर रहे हैं, अदरवाइज ऐसा लग रहा है कि आप पढ़ाई कर रहे हो, ग्रुप में कोई एक्टिविटी नहीं है, इससे जाके बेटा क्योंकि जब बाकी बच्चे भी कर रहे हैं तो अच्छा रहता है कि सब बच्चे करें, उनको जाके उससे कंपटीशन बढ़ेगा आप में, तो ताकि सब लोग पढ़ेंगे। और मैं चाहता भी यही हूँ कि आपको हेल्दी कंपटीशन लगना चाहिए आपस में, क्योंकि इस लॉकडाउन के टाइम पे पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है, आई नो वेरी वेल, क्योंकि जाके ओवरऑल स्ट्रेस है, बट आप लोगों के लिए ये चीजें आप लोगों को ऊपर ज्यादा स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, यू आर द बिजी पर्सन एट दिस टाइम, क्योंकि जाके आपकी क्लासेस कंटिन्यू पढ़ना है, स्टिल मतलब इट इज डिफिकल्ट, बट तब भी जाके जो जाके बेचारे घर पे बिल्कुल बैठे हैं उनसे अच्छा है कि आप कुछ ना कुछ कर ही रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे जाके आप इसका पूरा फायदा उठाओ, तो कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन होगा, कहीं पे भी कोई चीज होगा, देखो आपको यूनिवर्सिटी आना था, फिर आप दिन में थक जाते, फिर घर वापस पहुंच जाते, फिर जाके पढ़ाई नहीं होती, आज तो कम से कम इतना है कि लेक्चर सुना बैठे उसका रिवाइज कर सकते हो। तो एक तरीके से आप इसको पॉजिटिव वे में ले लो, आप इसके नेगेटिव जो है, नेगेटिव जो इसमें जाके है नेगेटिविटी, उन नेगेटिविटी को भी छोड़ दो, अभी पॉजिटिव वे में ले लो। ठीक है, अभी अच्छा भी है कि यहाँ पे जाके नेगेटिव ही रहना, पॉजिटिव मत रहना बेटा। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव रहेंगे तो फिर क्वारंटाइन में जाना पड़ेगा, तो बेहतर है कि जाके नेगेटिविटी को जो है वो भी अपने अंदर ही रखो अभी, तो पॉजिटिविटी को ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है। तो अच्छी बात है कि इस क्वेश्चन को आप कहेंगे और मुझे आप बताएंगे कि इसमें जाके न्यू सीओ सी मुझे इसमें आप आगे दिखाएंगे विद एक्सप्लेनेशन, दो लाइन की एक्सप्लेनेशन लिखना कि आपने पहले क्यों रखा इसको, फिर क्यों रखा। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूँ। ठीक है, जो ही वीडियो देखेगा वही जाके इसका आंसर बताएगा, तो इससे मुझे ये भी पता चल रहा है कि जाके आप लोग इसको सीरियसली ले रहे हो। एन सी ओ फोर ए बी एन आई सी ओ थ्री पी एफ थ्री सी एन आई सी ओ थ्री पी ओ पी एच POPH3। ठीक है, ये वाला ये पूरा ग्रुप है POPH, ये है P के साथ OPH, P के साथ OPH, P के साथ OPH, ये वाला, इसको इस तरीके से। ठीक है, टोटल इसमें भी कितने हैं, मैं थ्री गलत जगह लिखा, नहीं ठीक है यहाँ पे लिखा, क्योंकि OPH से है, P के साथ तीन OPH है, P के साथ O तीन पी एच, इस तरीके से पी ओ पी एच ओ पी एच ओ पी एच, इसका मतलब पी ओ पी एच थ्री, वही मैंने लिखा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डी एन आई सी ओ थ्री पी एम ई थ्री
आपको इसका आर्डर देना है, न्यू सीओ स्ट्रक्चर पूछ रहा हूँ, न्यू सीओ स्ट्रक्चर फ्रीक्वेंसी हाइएस्ट किसका, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यू सीओ स्ट्रक्चर फ्रीक्वेंसी इसको आपको बताना है। अगर आप इसको करने का तरीका देखेंगे मैं बताऊंगा। इसको भी बेटा आप एक सीओ फोर लिखा है ना, इसको भी लिखना सीओ थ्री, फिर लिखना सीओ। अब जाके आपको क्वेश्चन बहुत ईजी होगा। अब आप देखिएगा सीओ थ्री सीओ थ्री सीओ थ्री सीओ थ्री निकल 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 निकल। अब क्या मसला है इसके क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन आ चुका भी है, ठीक है। तो इसलिए जाके बेटा इस क्वेश्चन का मुझे आप आंसर बताएंगे, मैं बताऊंगा, तो जाके आप इंशाल्लाह करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। सिर्फ करना नहीं है, वो तो आप भी करेंगे, एक करेगा ग्रुप में भेजेगा, बाकी आप भी करेंगे। अच्छा ये है कि आप इसका गलत भी करो, क्योंकि अभी एग्जाम कुछ नहीं है, अभी जाके जस्ट आप पढ़ रहे हो, इसलिए जाके खुद ट्राई करो। तो किसी के कॉपी करने से बेहतर है कि खुद ट्राई करो, तो क्योंकि अभी आप सीख रहे हो, सीखने के टाइम पे कभी कॉपी मत करो। फिर तो एग्जाम में पता होता है कि आप करेंगे तो फिर कोई उस टाइम तो पता है, कुछ नहीं कह सकते उस टाइम ऑनलाइन मोड पे। देखिएगा बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे और एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास है पीटी सिस्टम ट्रांस, ये है ट्रांस आइसोमर, और दे जाके इसका सिस्टम, ये सिस्टम जो एल लिगेंड है यहाँ पे जाके, जो एल लिगेंड है एल ट्रांस टू सेल इज अ सिग्मा एज वेल एज पाई डोनर, जो एल है जो यहाँ पे जाके मैंने एल लिखा, एल इज सिग्मा एज वेल एज पाई डोनर, ठीक है। अब मुझे आप बताइएगा इस वाले क्वेश्चन में, आप मुझे बताइएगा कि जाके किसका ज्यादा होगा म्यू सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, किसका कम होगा। तो देखने में ये मिला है अभी तक कि जाके अगर आप इसको देखेंगे, इसका जो एल है सिग्मा डोनर है यहाँ पे जाके, अगर अगर सिग्मा डोनर है ये सिग्मा एज वेल एज पाई डोनर, तो जाके ये देखने को मिला है कि यहाँ पे क्या होगा, ट्रांस का सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम कंप्लीट, क्योंकि जाके यहाँ पे बैक में पानी विल बी स्ट्रॉन्ग, इसलिए जाके अगर आप इसको देखेंगे इट विल इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इट विल इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड मेटल व्हिच इन टर्न इंक्रीज द सीओ बैक पे बॉन्डिंग एंड कंसीक्वेंटली डिक्रीज द सीओ बॉन्ड ऑर्डर एंड इंक्रीज द एमसी बॉन्ड ऑर्डर, दस न्यू सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीजिंग एंड एमसी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। इफ यू वी कंपेयर सिस एंड ट्रांस ऑफ दिस CO stretching frequency of trans isomer is lower than that of cis. तो जाके ट्रांस का जाके लोअर है, ट्रांस का लोअर है, इसका CO stretching frequency क्या होगा, CO stretching frequency mu CO इसका क्या होगा, ट्रांस का mu CO stretching will be less than that of cis. ये आप याद रखेंगे बेटा, तो इसका भी इफेक्ट है cis trans का भी इफेक्ट है, ठीक है, cis trans का भी इफेक्ट है, ट्रांस का यहाँ पे जाके लोअर होगा उसका क्या रीजन है वो आप आगे भी देखेंगे, अभी हमें देखना वो बाकी है कि जाके यहाँ पे जो बैक पे बॉन्डिंग है वो इजीली यहाँ पे होगा इसके साथ, वो आपने उसमें भी थ्योरी में भी पढ़ा था, जब हम कौन सी थ्योरी पढ़ रहे थे, जब हम मैकेनिज्म पढ़ रहे थे तब भी हमने देखा कि जो ट्रांस में होता है लिगेंड उसके साथ बैक पे बॉन्डिंग जो होती है वो स्ट्रॉन्ग, ये इजिली बन जाती है कंप्यूटर, क्योंकि जाके ऑरियंटेशन का मसला होता है कंप्यूटर डेटा सिस वाली की केस में, ठीक है। तो ये चीज भी आप इसको देख सकते हो। तो यहाँ तक ये हुआ। नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, नेचर ऑफ लुईस एसिड अदर देन एथेनॉल, फॉर एग्जांपल अब जाके मेटल को छोड़ के कोई और जाके यहाँ पे आएगा, फॉर एग्जांपल सीओ के साथ, ध्यान देना बेटा, अब आपके पास सीओ है, अभी तक जितने भी मैंने एग्जांपल लिए तो मैंने मेटल लिया, अब अभी तक क्या आपके पास था, पूरा ध्यान देना बेटा, जो सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी थी थ्री में, थ्री सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो है फॉर एग्जाम्पल 2143 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो जब मेटल के साथ इसने क्या किया, जब इसने मेटल के साथ यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जाके जब मेटल के साथ इसने बॉन्डिंग की तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस कार्बोनिल डिक्रीज, क्यों डिक्रीज हुआ, बिकॉज ऑफ बैक पे बॉन्डिंग, चाहे कम बैक पे बॉन्डिंग हुई चाहे ज्यादा हुई, बट 2143 से यहाँ पे जाके क्या हुआ, 2143 से यहाँ पे जाके स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम हो गई, क्यों कम हुई, रीजन वाज दिस बिकॉज ऑफ बैक पे बॉन्डिंग, न्यू सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी थ्री सीओ इज 2143, बट इन केस ऑफ व्हेन इट फॉर्म्स द कॉम्प्लेक्स विद द मेटल इट द सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी लोअर्स, कितना लोअर हो रहा है, यहाँ पे जाके इतना हो रहा है कि 2120 से लेकर 1600 तक जाता है,
1600 को भी छोड़ दो, मैं इतना बताऊंगा आपको यहाँ पे जाके ये जा रहा है कहाँ तक, यहाँ तक जा रहा है कि 2000 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली। तो इसका मतलब ये कम क्यों जा रहा है, ये जाके कम हुआ इसलिए जाके बैकवर्ड वार्मिंग की वजह से। बट मैं क्वेश्चन यहाँ पे जाके भी जो पूछ रहा हूँ वो ये है कि जब जाके यहाँ पे क्या होगा, जब फॉर एग्जाम्पल अब फिर सीओ के साथ मेटल के बगैर कोई आएगा, मेटल के बगैर कोई ऐसे होगा जो जाके यहाँ पे इसको इसके सीओ को यहाँ पे जाके जो इलेक्ट्रॉन दे रहे वो ये एक्सेप्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे BH3 होगा, यहाँ पे जाके AlCl3 होगा, कोई भी लेविस एसिड जो होगा जो यहाँ पे जाके जिसके साथ बैकवर्ड बॉन्डिंग जनरली नहीं होगी, उनके साथ बैकवर्ड बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। तो जाके जब बैकवर्ड बॉन्डिंग नहीं होगी तो ध्यान देना जब BH3 के साथ ये बनाएगा, BH3 के साथ, क्योंकि आपको पता है कि BH3 इज द लेविस एसिड, इट विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर, इट हैज द सेकेंड इन दिस आउटर मोस्ट शेल एंड इट विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द कार्बोनिल लिगेंड एंड इट विल फॉर्म दिस, क्योंकि द कार्बोनिल लिगेंड हैज द इलेक्ट्रॉन पेयर इन दिस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग, जो नॉन बॉन्डिंग जो इसका यहाँ पे जाके ऑर्बिटल है उसका एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर है, इसलिए जाके यहाँ पे क्या होगा, दिस इलेक्ट्रॉन पेयर विल बी डोनेटेड टू द मेटल, बट हियर द इलेक्ट्रॉन द बैकवर्ड बॉन्डिंग विल नॉट हैपन इन दिस केस। इसको बोलते हैं जो यहाँ पे बना, इसको बोलते हैं एडिट, क्या बोलते हैं, एडिट फॉर्मेशन, जो आप देखते हो इसमें जाके BF3 के केस में और NH3 के केस में, ये वाला आप यहाँ पे भी देखते हो ये वाली बॉन्ड, ये वाला एडिक्ट, इसको बोलते हैं एडिक्ट BF3 के केस में और NH3 के केस में। एन यहाँ पे जाके बेस है, BF3 लेविस एसिड, तो यहाँ पे जाके भी क्या होता है, यहाँ पे जाके ये बनता है, यहाँ पे एडिक्ट बनता है। अब मुझे बताए, मुझे यहाँ पे एक्चुअली बोलना क्या है, इस पे जाके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसका जो सिग्मा एनडी था उसका एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर था, इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ पे लिया, बैकवर्ड बॉन्डिंग हुआ नहीं, दैट इज व्हाई इन दिस केस इन दिस एडिक्ट यहाँ पे जाके सीओ को ले, सीओ को हम ट्रीट करते हैं कि एक्चुअली सीओ पॉजिटिव है, क्या है, सीओ पॉजिटिव। तो इस सीओ पॉजिटिव को इस एडिक्ट में जाके जो न्यू सीओ स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी है, रिमेम्बर दिस, इट विल 2165 सेंटीमीटर, अब देखिएगा इससे ज्यादा है, बॉन्ड बिकम स्ट्रॉन्गर, बॉन्ड बिकम स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ प्री सीओ, रीजन बिहाइंड इज दिस बिकॉज दिस हैज द स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिमूव्ड फ्रॉम दिस एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर ऑफ सिग्मा एनडी एंड इट द न्यू सीओ स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि जाके सर अगर जाके आप बोल रहे कि जब सिग्मा डोनेशन होगा तो आप बोलते कि जब पॉजिटिव चार्ज जितना चार्ज बढ़ता है, जो हमने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा, चार्ज बढ़ेगा तो जाके लिगेंड को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, वो सही बात है, वो सिग्मा के लिए, वो सिग्मा के लिए है, सिग्मा जो बॉन्ड बन रहा है वो उसी के लिए कि जितना पॉजिटिव बढ़ाओगे उतना जाके वो क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेगा। बट बैकवर्ड बॉन्डिंग किस पे डिपेंड है कि मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है, जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा उतना जाके बैकवर्ड बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी, जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल कम होगा उतना बैकवर्ड बॉन्डिंग कम होगा। तो ये इसको जाके क्लियर करो। और एक क्वेश्चन जो मुझे बहुत सारे बच्चों ने पूछा इंडिविजुअल मैसेजेस में, वो ये चीज था कि सर सिनर्जिज्म और बैकवर्ड बॉन्डिंग में क्या फर्क है, तो इसको जाके बेटा क्लियर कर लो ना, बैकवर्ड बॉन्डिंग और सिनर्जिज्म में क्या फर्क है वो देखो ना आप। मैं क्या बोल रहा हूँ कि बेटा कि मेटल है यहाँ पे जाके सी टू बॉन्ड ओ है, मैं क्या बोल रहा हूँ पहले ध्यान देना बेटा, मैंने ये बोला कि जब सीओ है, सीओ दे रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो इसके सिग्मा एनडी में था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिया, अब जाके जब दे दिया इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसके यहाँ पे जाके इसका बढ़ गया क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ मेटल एनहांस बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय द सी। जब सी ने दिया, ध्यान देना बेटा, जब सी ने दिया, एक तो यहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई, ठीक है गुड, दूसरी बात क्या हुआ, साथ साथ में ये भी हुआ कि यहाँ पे जाके इसकी पाई एक्सेप्टिंग एबिलिटी ज्यादा होगी, पाई एक्सेप्टिंग एबिलिटी जो है एनहेंस हुई, इस सिग्मा डोनेशन से क्या हुआ, इस सिग्मा डोनेशन से एक ही चीज नहीं हुआ, इस सिग्मा डोनेशन से इसका भी पाई एक्सेप्टिंग एबिलिटी इंक्रीज हुई। देखो एक तो इस सीओ ने इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दिया जब इलेक्ट्रॉन सिग्मा डोनेशन हुआ, जब सिग्मा डोनर यहाँ पे जाके जब सिग्मा डोनेशन हुआ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे इसने इसको दी, एक तो जाके इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई और दूसरा यहाँ पे पाई एक्सेप्टिंग एबिलिटी भी बढ़ गई। तो इससे क्या होगा,
जब इसने इसको दिया, ये वापस तभी जाके ये इसका बैक पे बॉन्डिंग, दोनों जो इफेक्ट है, जो बैक पे बॉन्डिंग बन रहा है, जो बैक पे बॉन्डिंग यहाँ पे जाके इसके केस में जो बन रहा है बैक पे बॉन्डिंग, यहाँ पे जाके ये क्या है, यहाँ पे जाके इट इज इट रीइंफोर्स द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। मतलब जब सिग्मा बन रहा है तभी पाई बन रहा है, तो आपस में ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि पाई बॉन्डिंग बनने के लिए क्या चीज जरूरी है, इट शुड बी अ गुड पाई एक्सेप्टर एबिलिटी, इसकी जाके गुड पाई एक्सेप्टिंग एबिलिटी होनी चाहिए। अगर ये खाली, ध्यान देना, अगर ये स्ट्रांग सिग्मा डोनर होता और वीक पाई एक्सेप्टर होता, ध्यान देना, अगर जाके इसने सिग्मा डोनेशन की बट जाके ये ज्यादा एक्सेप्टिंग एबिलिटी इसकी ज्यादा नहीं होती, या ये जाके कोई इफेक्ट नहीं करता इसको, तब जाके हम इसको ये यहाँ पे जाके इस तरीके से नहीं ले सकते हैं। बट ये रेनफोर्स कर रहा है, जब इसने इसको ये किया तभी जाके पाई एक्सेप्टिंग एबिलिटी एनहेंस हुई। तो इस तरीके से जाके इसको बोलते हैं सिनर्जिज्म और सिनर्जेटिक इफेक्ट। टाइम भी हो गया, आज क्वेश्चन के लिए कोई टाइम नहीं बचा, कल भी नहीं बचा, आज भी नहीं बचा। थैंक यू सो मच, और मुझे ये भेजना क्वेश्चन जो मैंने पूछा वो भी भेजना, और जाके अटेंडेंस। अस्सलाम वालेकुम।